नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जातीय गणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। 10 अगस्त को 200 पदों के लिए बिहार में आयोजित होगा जॉब कैंप। समुद्र मिशन के तहत 6000 मीटर के समुद्र गहराई में जाएंगे भारतीय वैज्ञानिक। भारत नेट योजना के तहत देश के 6.4 लाख गांवों को मिलेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नैनीताल बैंक ने क्लर्क मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकाली भर्ती। नैनीताल बैंक ने क्लर्क एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 110 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जो इन भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट www.nainitalbank.co.in या भर्ती पोर्टल ibpsonline.ibps.in/mblmtjul 23 पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया हो। वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। जातीय गणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार में जातीय गणना कराने को लेकर राज्य सरकार को राहत दे दी गई है, लेकिन आज पटना हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी, जिसको लेकर महागठबंधन और बीजेपी आमने सामने हो चुकी है। एक तरफ जहां आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के द्वारा कहा गया कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि यह लोग कुछ भी कर ले, कोर्ट भी यह जानती है कि यह सब कुछ गरीब जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है और यह बिहार में होना जरूरी है। इसलिए बीजेपी वाले कुछ भी कर ले, उनकी दाल गलने वाली नहीं है, बिहार में जातीय गणना होकर रहेगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक जनक सिंह के द्वारा कहा गया कि जब बीजेपी सरकार में थी तभी जातीय गणना कराने पर सहमति बनी थी और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मामला है तो यह सरकार के लोग हैं जिन्होंने जाति आधारित गणना को रोकने के लिए याचिका दायर की है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे अशोक धाम के बारे में। अशोक धाम बिहार के लखीसराय जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि अशोक नाम का चरवाहा प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाया करता। एक दिन गिल्ली डंडा खेलने के क्रम में उसने एक विशाल शिवलिंग को धरती के अंदर पड़ा देखा। उसने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जरा सा भी हिला तक नहीं पाया। इसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया, तभी से इस मंदिर का नाम अशोक धाम मंदिर पड़ गया। जगन्नाथपुरी धाम के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया। इस मंदिर में शिवरात्रि और श्रावण महीने में श्रद्धालु भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ यह मंदिर मुंडन संस्कार के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। रेड एफआईआर मैनेजमेंट सिस्टम वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग लगभग 400 आईटी मैनेजर, असिस्टेंट आईटी मैनेजर और फील्ड ऑफिसर को दी गई है, ताकि बिहार में बिजली चोरी को रोका जा सके। बता दें कि 1 अगस्त 2023 से आरएफएमएस सीएमडी संजीव हंस के आदेश से पूरे बिहार में दोनों डिस्कॉम के फील्ड ऑफिसर के लिए लागू कर दिए गए हैं। इसको इस्तेमाल करना सभी स्पेशल टास्क फोर्स मेंबर के लिए अनिवार्य होगा। साथ ही रेड के समय बेसिक विवरण जैसे कंज्यूमर संख्या, मीटर चालू है या नहीं, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड एवं साक्ष्य के लिए 2 फोटो, वीडियो या ऑडियो फाइल एसटीएफ मोबाइल ऐप के माध्यम से फील्ड ऑफिसर अपलोड करते हैं। राज्य में इस दिन ठप रहेगी हॉस्पिटलों में ओपीडी सेवा। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की तरफ से किए गए ऐलान के अनुसार 18 और 19 अगस्त को बिहार में कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी सेवा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि 18 और 19 अगस्त को डॉक्टरों के द्वारा अस्पतालों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि वह उस दिन ओपीडी सेवा में काम नहीं करेंगे। इसके अलावा 16 व 17 अगस्त को डॉक्टर की टीम काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन लोगों ने मुख्य रूप से बेपार गया में प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकों के साथ हुए दुर्व्यवहार और लंबित मांगों को लेकर निर्णय लिया है। सबके अलावा संघ की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर 12 अगस्त तक सरकार की ओर से उनकी मांग को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो कार्य बहिष्कार और ओपीडी बंद सहित अन्य कठोर निर्णय उनके द्वारा लिए जाएंगे। मालूम हो कि संघीय मांग है कि कार्यस्थल पर स्वास्थ्य पुलिस बल की व्यवस्था की जाए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित हो, व्यापार में ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टरों को उचित आवासीय भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद ही अगले बैच को भेजा जाए, कार्य अधिकार निर्धारण एवं आवासीय सौदा के बिना बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए चिकित्सकों को बाध्य न किया जाए और सेवारत चिकित्सकों को पीजी व डीएनबी में सीट आरक्षित किया जाए। बिहार में 3 आईपीएस और 5 बीपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर।
बीते दिन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के 3 आईपीएस और 5 बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों को स्थानांतरण कर दिया गया है, जिनमें 3 आईपीएस अधिकारियों में आईपीएस दीपक वर्णवाल को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है, तो वहीं आईपीएस सुधीर कुमार पोरिका को विशेष शाखा का पुलिस अधीक्षक और आईपीएस अवधेश दीक्षित को सहायक पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरपुर के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जिन 5 बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है उनमें मनोज कुमार पांडे को मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक के पद से स्थानांतरित कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल भीमनगर सुपौल में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के पुलिस उपाधीक्षक नगर राघव दयाल को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 11 जमुई में पुलिस उपाधीक्षक एसडीआरएफ सहरियार अख्तर को उप पुलिस उपाधीक्षक मुजफ्फरपुर आर्थिक अपराध इकाई प्रीतम कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज और अमन कुमार को पुलिस उपाधीक्षक एसडीआरएफ बिहार के पद पर तैनात किया गया है। 10 अगस्त को 200 पदों के लिए बिहार में आयोजित होगा जॉब कैंप। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि पश्चिम चंपारण के बगहा 2 प्रखंड के कौशल विकास केंद्र में 10 अगस्त को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस जॉब कैंप में ISS वर्ल्ड द्वारा चेन्नई में सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपिंग के कुल 200 पदों पर भर्ती की जानी है। बता दें कि इस जॉब कैंप को लेकर किसी भी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए जिला नियोजनालय के जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 0625429573 पर संपर्क कर हासिल कर सकते हैं। मालूम हो कि इस जॉब कैंप की खास बात यह है कि बगहा थरूहट क्षेत्र से सटा हुआ है, जहां आदिवासी समुदाय का बसेरा है। ऐसे में आदिवासी समुदाय के पास रोजगार लेने का सुनहरा अवसर है। समुद्र मिशन के तहत 6000 मीटर के समुद्र गहराई में जाएंगे भारतीय वैज्ञानिक। समुद्र की गहराइयों को पता करने के लिए अब भारतीय वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे। बता दें कि इस बात की जानकारी केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा राज्यसभा में दी गई है। उन्होंने बताया कि समुद्रयान मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज करना है, छिपे हुए संसाधनों और विविध जीवन रूपों पर प्रकाश डालना है। इसके लिए वैज्ञानिक सेंसर और सेट के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में उतरेंगे, जिसके लिए 3 लोगों को ले जाने वाली मानव स्वचालित पनडुब्बी विकसित की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। मधुबनी जिले का राजनगर पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित। बिहार की सांस्कृतिक विरासत घोषित करने और पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने की योजना राजनगर के लिए बनाई जा रही। बता दें कि राजनगर बिहार में दरभंगा प्रमंडल के मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। इसे लेकर पर्यटन विभाग की तरफ से तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। बीते ही दिनों अभय कुमार सिंह, जो कि पर्यटन सचिव है, उन्होंने विभागीय टीम के साथ इस स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दरभंगा राजघराने के सदस्य बाबू कपिलेश्वर सिंह और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि राजनगर को अहम राज्य के सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन स्थल बनाने को लेकर किस प्रकार कार्य शुरू करे और इसे लेकर पर्यटन विभाग की तरफ से यह पहल शुरू हुई है। वहीं राजनगर को लेकर उन्होंने कहा कि इसे बिहार की विरासत और गर्व के प्रतीक के तौर पर पूरे देश में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। हमारी न्यूज की एक अनोखी पहल, मात्र 99 रुपए में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, 21,391 पोस्ट के लिए स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल और बिहारी न्यूज ने जारी किया मॉडल पेपर। कुल 10 मॉडल पेपर सिपाही परीक्षा के प्रारूप पर आधारित है और इसके साथ डिटेल सॉल्यूशन भी उपलब्ध होंगे। सभी मॉडल पेपर्स एक्सपर्ट्स द्वारा लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। ये 10 मॉडल पेपर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे और आपको इसके साथ टॉपिक वाइज वीडियोस भी मिलेंगे। ये सब आपको स्टूडेंट साथी ऐप पर उपलब्ध होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल व्हाट्सएप 9470797410 पर कर सकते हैं और सभी मॉडल टेस्ट पेपर्स को व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। पटना से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल के दौरान मिले 57 कमजोर पॉइंट। पटना से हावड़ा तक चलने को तैयार वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन लिया जा चुका है। ट्रायल के दौरान यह ट्रेन पटना से हावड़ा तक पहुंचने के क्रम में मोकामा, लखीसराय व जसीडीह आसनसोल में 2-2 मिनट तक के लिए रुकी। यह ट्रेन पटना से सुबह 8 बजे खुली थी व हावड़ा 2:35 मिनट पर पहुंची, हालांकि इसका तय समय 2:30 मिनट पर था। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन को 57 कमजोर पॉइंट से गुजरना पड़ा। इन जगहों पर ट्रेन की रफ्तार को धीमा रखा गया था। हालांकि पटना से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन के इस ट्रायल को CPRO वीरेंद्र कुमार ने सफल बताया। जल्दी अब ट्रेन का किराया और समय सारणी की जानकारी भी दे दी जाएगी।
गैंडों की संख्या में वृद्धि करने को लेकर राज्य सरकार बना रही योजना। बाघों की संख्या में बिहार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार गैंडों के संरक्षण की योजना बना रही। इस योजना के तहत राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाना है। पिक गुप्ता जो कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव वार्डन है, उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में केवल एक गैंडा और पटना के चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। आगे उन्होंने कहा कि गैंडा संरक्षण के दोबारा शुरू होने के बाद वीटीआर में गैंडों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि गैंडा बहुल क्षेत्रों का वीटीआर में अगले 2 सालों में 5% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राजगीर के मलमास मेले में श्रद्धा की डुबकी लगाने हेतु 1 किलोमीटर तक लगी लाइन। राजकीय मलमास मेले का आयोजन नालंदा के राजगीर में बड़े ही धूमधाम से आयोजित हो रहा है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ कुंड स्नान के लिए देखी जा रही। बीते ही दिनों इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरे 1 किलोमीटर तक की लंबी लाइन देखने को मिली। इस दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। हालांकि लंबी लाइन के कारण श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेले में घूम घूम कर जिला अधिकारी माहौल का जायजा ले रहे थे। गौरतलब है कि 2 करोड़ से भी अधिक लोग अब तक इस मेले में घूमने राजगीर आ चुके हैं। पूर्णिया पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ खास सफलता देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के लालगंज का है, जहां पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 540 लीटर कच्चा स्प्रिट और शराब बनाने वाले उपकरण को बरामद किया गया है, जिनमें कंपनियों का अलग अलग स्टिकर, पैकिंग मशीन, खाली ड्रम आदि शामिल है। इसके अलावा साथ ही पुलिस के द्वारा शराब बनाने वाले 4 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया है। मालूम हो कि इस बात की जानकारी सदर DSP पुष्कर कुमार के द्वारा दी गई है। नेत्रहाट स्कूल में एडमिशन के लिए जल्द करें आवेदन। अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो बता दें कि आप नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन करवा सकते हैं। यहां पर कक्षा 6 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जो कि 31 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। हालांकि इस विद्यालय के कक्षा 6 में वही बच्चे नामांकन ले सकते हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल की है और वह किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के कक्षा 5 के स्टूडेंट हो। वह इस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी, जो कि 8 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 25 सितंबर को जारी किया जाएगा। वहीं इस परीक्षा के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कुल 100 छात्रों का नामांकन होगा। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेत्रहाट विद्यालय की वेबसाइट www.netarhatvidyalaya.com पर विजिट कर सकते हैं। SBI बैंक ग्राहक जान ले डिपॉजिट के ये नियम। अगर आपका बैंक खाता भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि SBI के नियम के अनुसार चार्ज उसी बैंक ग्राहक के अकाउंट से कटता है जिसके खाते में पैसा जमा होते हैं। मालूम हो कि यह चार्ज तब लगता है जब आप कैश डिपॉजिट मशीन से पैसे जमा करते हैं। ATM मशीन के जैसे ही कैश डिपॉजिट मशीन भी होते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर SBI मशीन के पास कैश डिपॉजिट मशीन भी लगा रहता है। इस मशीन के जरिए आप बैंक शाखा में जाए बिना ही अपने बैंक खाते में पैसे जमा करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नोट फटे पुराने न हो। ऐसा होने पर मशीन उन पैसों को शायद एक्सेस न कर पाए। साथ ही डिपॉजिट करने के दौरान आपके खाते के रकम के हिसाब से पैसे कटेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर संजय झा का बयान। बीते दिन दरभंगा में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा कहा गया कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला था कि दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हो सके। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 352 करोड़ रुपए से 78 एकड़ जमीन एक्वायर कर केंद्र सरकार को दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ओर से इसको लेकर नवम्बर में अपना काम कर दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से आज तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन का सुधार होगा, लेकिन अभी तक दिल्ली स्टेशन का तो सुधार हुआ ही नहीं। आज तक दरभंगा से राजधानी नहीं हुई और न ही कोई फास्ट ट्रेन दरभंगा से दिल्ली जाने के लिए है। ऐसे में अब चुनाव आने वाला है तो रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर जो जमीन नहीं देने के काम पर राजनीति कर रहे थे, उनके काम का हिसाब होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि रूलिंग पार्टी JDU के अध्यक्ष ललन सिंह ने कुछ महीने पहले ये बयान दिया था कि बिहार के जितने पत्रकार जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं ये शराब माफिया से जुड़े लोग हैं। पत्रकार जो लिख रहे हैं ये शराबबंदी के खिलाफ है। क्या बिहार के पत्रकार ऐसे हैं? JDU के अध्यक्ष ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया है। JDU के नेताओं के अंदर इतना अहंकार आता कहां से है? लोकतंत्र में इतना अहंकार नेताओं के अंदर तब आता है जब उन्हें ये एहसास हो जाए कि हमारी कुर्सी जान नहीं सकती। नीतीश
नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है और समझ लिया है। और 2015 के बाद जो घटना हुई है, नीतीश कुमार ने देखा कि जनता चाहे किसी को वोट दे, चाहे वो आरजेडी को दे, कांग्रेस को दे या फिर निर्दलीय को दे, घुमा फिराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनना है। इस बार नीतीश कुमार का अंतिम पारी चल रहा है, जितने महीने बचे हैं वो जोड़ ले, इसके बाद कोई गणित नहीं चलने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण यहां से हो सकता है शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम में मानहानि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। ऐसे में अब सभी की नजर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण पर है, जो कि सितंबर महीने से शुरू होने वाली है। इस यात्रा को लेकर गठबंधन इंडिया के बीच खास उत्साह देखने को मिल रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत सितंबर महीने से अरुणाचल प्रदेश से हो सकती है। हालांकि अब तक इस यात्रा को लेकर आधिकारिक तौर पर भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यात्रा की शुरुआत होने से पहले देश की राजधानी नई दिल्ली में 8 अगस्त को एक बैठक होने वाली है, जिसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बताया अपना फ्यूचर प्लान। पिछले कुछ T20 सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम टीम में नहीं देखने को मिला है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय सेलेक्टर्स क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी कि T20 में कोहली और रोहित से अब आगे देखना चाहते हैं। इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा अमेरिका में एक इवेंट के दौरान अपना फ्यूचर प्लान बताते हुए कहा गया कि वह अगले साल होने वाले T20 विश्व कप में खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ जाने और मजे लेने के अलावा अमेरिका आने का एक और कारण है। आपको जैसे पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, साल 2024 के जून महीने में दुनिया के किसी कोने में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। ऐसे में मुझे लगता है कि सभी उत्साहित होंगे और हम आगे की ओर देख रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। उचित वक्त 1880 को पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। मुंबई नगर निगम को 1947 में बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई। गीत सेट्टी 1985 में विश्व अमेचर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बने। भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन का जन्म 1925 को हुआ था। प्रख्यात कलाकार तथा साहित्यकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1871 को हुआ था। भारतीय लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन 1941 को हुआ था। चौथी लोकसभा के सदस्य PC अधिचन का निधन 1976 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा का निधन 2009 को हुआ था। तमिलनाडु राजनीति के भीष्म पितामह करुणानिधि का 2018 को निधन हुआ था। वेलकम, आज हम बात करेंगे फर्जी प्रतियोगिताओं के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फर्जी प्रतियोगिताओं योजना के बारे में। सर, PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंडियन ऑयल से होने का दावा करने वाली फर्जी प्रतियोगिताओं से सावधान रहे। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि सभी आधिकारिक प्रतियोगिताएं और या घोषणाएं केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया खातों पर पोस्ट की जाएंगी। असत्यापित स्रोतों को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान न करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। व्हाट्सएप एक और सिक्योरिटी फीचर पर कर रहा काम। मेटा समय समय पर अपने सोशल मीडिया ऐप्स में कई अपडेट लाते रहता है। इसी बीच व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसकी जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने शेयर की है। दरअसल कंपनी व्हाट्सएप अकाउंट के साथ ईमेल अकाउंट को जोड़ना चाहती है, यानी यूजर्स को ईमेल अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। ईमेल के जरिए कंपनी अकाउंट को वेरीफाई और सिक्योर रखने में मदद करेगी। जिस तरह अभी दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर लॉगिन के वक्त ईमेल में नोटिफिकेशन आता है, ठीक ऐसा ही व्हाट्सएप के साथ भी हो सकता है। फिलहाल ये अपडेट एंड्रॉइड बीटा के 2.23.16.15 वर्जन में देखा गया है। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट कर सकती है। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि कंपनी कैसे ईमेल का इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए करेगी। भारत नेट योजना के तहत देश के 6.4 लाख गांवों को मिलेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। देश के हर कोने को इंटरनेट से जोड़ने के लिए सरकार अब हर गांव और घर में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगाने की पहल कर रही। बता दें कि यह काम भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसकी मंजूरी कैबिनेट द्वारा मिल चुकी है। 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए के आउटले को भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत कैबिनेट से मंजूरी मिली है। हालांकि इनमें से 1.94 गांव फिलहाल भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जुड़ चुके हैं। बचे अन्य गांव को भी 2.5 साल में जोड़े जाने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी बात सामने आई है कि इसके तहत लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। आज सीएम नीतीश करेंगे म्यूजियम बिनाले 2023 एवं टुगेदर वी आर्ट का उद्घाटन।
आज यानी कि 7 अगस्त 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर म्यूजियम विनालय 2023 एवं टुगेदर वी आर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि इस उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत आज शाम 5 बजे से होने वाली है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा इस समारोह की अध्यक्षता बिहार सरकार के संस्कृति एवं युवा विभाग के माननीय मंत्री जितेंद्र कुमार राय के द्वारा की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना के नेहरू पथ स्थित बिहार संग्रहालय में आयोजित होने वाली है। पटना में खगौल के पास हुआ रेल हादसा। पटना से एक बड़े रेल हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। बता दें कि घटना खगौल के आसपास की है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के पश्चिमी छोर पर ट्रेन की बोगी पटरी से उतरकर 400 मीटर खींचते हुए 2 बिजली के खंभे को तोड़कर पटरी के किनारे मिट्टी में जा धंसी। हालांकि इस रेल दुर्घटना के दौरान किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। रेलवे कर्मचारी इस घटना के बाद बिल्कुल ही सक्रिय हो गए हैं। पटरी से नीचे उतरे डिब्बे को फिर से पटरी पर लाने की कवायद हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार पूरे 4 घंटे के मशक्कत के बाद ट्रेन के बोगी को पटरी पर लाया जा सका। बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन की बोगी रेलवे यार्ड से निकलकर सेटिंग में जा रही थी। हम प्रतिदिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल, हाल ही में ADR द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला सवाल, आर्यभट्ट का संबंध निम्न में से किस नगर से रहा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला सवाल, इब्राहिम लोदी के समय उसके खिलाफ विद्रोह करने वाला बिहार का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए महमूद लोदी, ऑप्शन बी दरिया खान लोहानी, ऑप्शन सी शेर खान, ऑप्शन डी फरीद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दरिया खान लोहानी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अजीमा फिरदौस, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, सदुल्लाह पलवी, नन्नू गोलू कुमार, भरत प्रसाद, उदय कुमार पासवान, सुनीता कुमारी, अतीक खान, सरिता पासवान, उपेंद्र कुमार यादव, ललन प्रसाद, अंशुप्रिया, समिता यादव, गुणर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार का सबसे स्वादिष्ट मिठाई कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।